चुनावी मौसम में राजनेता एक दूसरे पर आलोचना करने का कोई मौका नहीं चूक रहे। यूपी के संभल में प्रचार के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो बाबा ने सीएम का सरकारी बंगला गंगा जल से धुलवाया। उन्हें तब पिछड़ी जाति का होने पर अफसोस हुआ। उन्होंने जिस तरह से बंगलों की टोटियां निकलवाई उसी तरह उनकी सरकार आई तो वो बंगले से चिल्लम निकलवाएंगे। माना जा रहा है कि अखिलेश का इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ था। ये देखते नहीं है आंकड़े, इनकी आंखों में चश्मा लग गया है, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अगर ये आंकड़े देखें तो आज सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। बहु बेटियों के साथ अन्याय अगर कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। इन्होंने ठोको नीति लागू की थी, याद कीजिए आप, ठोको नीति, यही मुख्यमंत्री जी की भाषा है।